मित्रों, मेरे चैनल में जो जो नए आए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा दो आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए। एपिसोड की शुरुआत में हम जिंग को देखते हैं, जिसे मास्टर जिया ने अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा दिया है और जिंग बहुत ही डरा हुआ है। वो मास्टर जिया से कह रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप चाहते हो कि मैं आपकी तरह हेलीकॉप्टर से जंप मार कर मेरी सपनों की रानी से मेरा दिल का हाल बयां करूं? अगर मैं ऐसा कुछ हेलीकॉप्टर में से जंप मार के करूंगा तो मैं मेरा दिल का हाल का तो पता नहीं, पर मैं मर जरूर जाऊंगा। क्या आप ये चाहते हो? मास्टर जिया कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। और तुम मरोगे नहीं, तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम सेफ्टी रोप से बंधे हुए हो, इसीलिए तुम बिल्कुल सेफ हो। फिर मास्टर जिया होम की तरफ इशारा करते हुए जिंग से कहने लगता है कि देखो, वो रही तुम्हारी सपनों की रानी, बस तुम हेलीकॉप्टर से किसी हीरो की तरह जंप मार दो और अपना दिल का हाल उसे जाकर बयां कर दो। जिंग जो तब भी मना किए जा रहा था, और मास्टर जिया जिंग से कहता है कि ठीक है, रुको, मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ। और वो तब एक लात मार कर जिंग को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते हैं। जिंग तब चिल्लाते हुए डर के मारे गिरते संभलते जाकर होम की अपर बॉडी से टकरा जाता है और शर्माते हुए होम से कहने लगता है I am sorry। पर होम तब घबरा कर जिंग को एक मुक्का मार कर उसे वापस हेलीकॉप्टर में भेज देती है। बेचारा जिंग जो होम से कहता रह जाता है कि होम, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर क्या फायदा। बेचारी होम भी तो डर कर भाग जाती है। जिंग हेलीकॉप्टर में वापस आकर मास्टर जिया से रोते हुए कह रहा था कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? मास्टर जिया जिंग से कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तुम कर नहीं पाए, गलती तुम्हारी है। जिंग गुस्से में मास्टर जिया का कॉलर पकड़ के उन्हें हिलाते हुए कहने लगता है कि मास्टर जिया, आप ये क्या कह रहे हो, आपका हेलीकॉप्टर से जंप मारने का आइडिया ही बेकार था। अभी होंग मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उसे लग रहा होगा कि मैं शायद कोई आवारा बदमाश टाइप का लड़का हूँ। मास्टर जिया तब हंसते हुए जिंग से कहता है कि जिंग, तुम मुझे ब्लेम करना बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ और उधर जाकर मैं तुम्हें प्यार करने का नया नया तरीका सिखाऊंगा। और भोला सा जिंग जो मान जाता है। अगले ही सीन में हम मास्टर जिया और जिंग को मास्टर जिया के घर के सामने देखते हैं। और मास्टर जिया का घर जो है वो कोई घर नहीं बल्कि बड़ा सा मेंशन है, जिसे देखकर जिंग कहने लगता है कि ये तो कितना बड़ा है। मास्टर जिया कहते हैं कि हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद जिंग हमें बताने लगता है कि मुझे प्यार प्यार के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं, ना ही मुझे ये मालूम है कि अपना हाले दिल कैसे बयां करते हैं। तब मुझे सोशल मीडिया का लाभ स्पेशलिटी ऐप के बारे में मालूम पड़ा और वहीं से ही मेरा मुलाकात मास्टर जिया से हुआ। मास्टर जिया जिनका फॉलोअर सोशल मीडिया में बहुत बड़ा है, हर एक लड़की उन्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती है। मास्टर जिया तो सोशल मीडिया की प्रेम गुरु है, पर ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे प्यार का कोई गलत ही तरीका अभी बता रहे हैं? फिर हम देखते हैं मास्टर जिया ने जिंग को अपने घर ले आकर अपने कमरे में अपने बेड में बांध दिया है। जिंग तब कहने लगता है कि ये क्या, मास्टर जिया ने मुझे बांध क्यों दिया, मास्टर जिया आप मुझे जल्दी से खोलो। उसके बाद मास्टर जिया जिंग के नजदीक आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिंग, मैं तो तुम्हें प्यार करने का नया तरीका सिखा रहा हूँ। और वो जिंग के नजदीक और नजदीक आने लगते हैं। तब मास्टर
जिया अपने पास से एक फूलों से सजा हुआ और उसके बीच सोने से भरा हुआ गुलदस्ता ले आकर जिंग को देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगे। जिंग चौंक कर कहता है कि ऐसा कौन करता है, आप पहले ये सोने से भरा हुआ गुलदस्ता हटाओ क्योंकि सोने का चमक मेरे आंखों में चुभ रहा है। मास्टर जिया तब गुलदस्ता फेंक देते हैं जिंग से ये कहते हुए कि जिंग अगर तुम ऐसा करोगे तो सीखोगे कैसे, और जिंग का हाथ पकड़ के वो किस करने लगते हैं ये कहते हुए कि जिंग तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे सिखाओ। जिंग तब राउंड मारते हुए बिस्तर से नीचे आ जाता है और वो अपना हाथ का रस्सी खुद ही खोल लेता है। मास्टर जिया जिंग को देखते रह जाते हैं। जिंग मास्टर जिया से कहने लगता है, मास्टर जिया आपको ऐसे प्यार करने का तरीका किसने सिखाया, ये पोजीशन बहुत ही अजीब सा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरे मुंह में आ जाएगा। मास्टर जिया कहते हैं कि जिंग क्या तुम्हें जानना नहीं है कि प्यार करने का नया नया तरीका मुझे किसने सिखाया। तब जिंग के आंखों में एक चमक आ जाती है और वो कहने लगता है कि हाँ मास्टर मुझे जानना है। उसके बाद मास्टर जिया जिंग को अपनी घर की लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक नॉवेल था। फिर मास्टर जिया अपने लाइब्रेरी में से उनका फेवरेट 3 नॉवेल निकाल कर जिंग से कहने लगता है कि जिंग मैंने यहाँ से सीखा है, ये जो तुम रोमांटिक नॉवेल देख रहे हो ना, मैंने हर एक नॉवेल को 10-10 बार पढ़ी है। देखो पहला वाला नॉवेल है एम्प्लॉय और प्रेसिडेंट की प्यार के बारे में, दूसरा वाला नॉवेल है रिच हस्बैंड के बारे में, और तीसरा वाला नॉवेल है कॉन्ट्रैक्ट लवर के बारे में। तुम बताओ कि तुम कौन सा पहले पढ़ना पसंद करोगे। जिंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि उसे एम्प्लॉय और प्रेसिडेंट वाला नॉवेल पढ़ना है। कुछ देर बाद एम्प्लॉय और प्रेसिडेंट वाला नॉवेल की स्टोरी सुनकर जिंग का हालत बिगड़ने लगता है। जिंग मास्टर जिया से कहने लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं थक चुका हूँ ऐसा कहानी सुनकर। मास्टर जिया बहुत स्टाइल में कहते हैं कि जिंग अगर तुम इस नॉवेल को सुनकर थक गए हो तो क्या हम रिच हस्बैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट लवर का स्टोरी सुने। तब जिंग लाइक मुझे बख्श दो, मुझे माफ करो, और नहीं हो रहा मेरे से। उसी वक्त हम जिंग के फोन में हैकर नाम का किसी पर्सन का मैसेज देखते हैं, जो उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने अपना दिल का हाल उस लड़की को बता दिया। आते हैं जिंग की तरफ जो रोते हुए चिल्लाते हुए मास्टर जिया से कह रहा था कि मास्टर पहले तो आपने मुझसे कहा कि मैं हेलीकॉप्टर से जंप मार कर मैं अपना हाले दिल जाकर मेरे प्यार के सामने बयां करूं, पर हुआ क्या, मैं उसके ऊपर जाकर गिर गया और वो मुझसे डरकर भाग गई। उसके बाद आप मुझे अपने घर ये कह के लेकर आए हो कि आप मुझे मेरा हाले दिल ब्याह करने का नया नया तरीका सिखाओगे, पर आपने क्या किया, आपने मुझे अपने बिस्तर में बांध दिया और कहने लगे कि मैं ऐसे जाकर मेरा हाले दिल उसे ब्याह करूं, ऐसा कौन करता है। तब हम मास्टर जिया को देखते हैं जिनके पास एक प्यारा सा पप्पी था और वो जिंग से कहने लगते हैं, जिंग पता है कि बात क्या है, तुम्हें ही कुछ नहीं आता। जिंग गुस्से में मास्टर जिया से कहने लगता है कि मास्टर जिया आपने जो जो तरीका प्यार मोहब्बत का मुझे बताया है वो सारे के सारे तरीके ही बकवास है। मास्टर जिया हंसते हुए कहता है कि ऐसा क्या। जिंग गुस्से में कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं अपने प्यार के लिए आपसे मदद कभी नहीं मांगूंगा, और वो जाने लगता है। और मास्टर जिया जो मुस्कुराते हुए जिंग को ही देखे जा रहा था। उसके बाद हम जिंग को देखते हैं जो एक बस में जाकर चढ़ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आज का दिन तो बहुत ही हॉट था बॉस, ऐसा लग रहा है कि मैंने तो
आज कुछ सीखा ही नहीं। जिंग तब अपना फोन चेक करता है जहाँ हैकर नाम की पर्सन का मैसेज, वो देखकर उसे रिप्लाई करने लगता है कि नहीं, मैं अपना हाल दिल मेरे प्यार को बयां कर ही नहीं पाया, बल्कि वो तो मुझसे डर के भाग गई। तब तुरंत ही हैकर की रिप्लाई आ जाती है और जिंग अपने मन में सोचने लगता है कि वाव, हैकर नाम की लड़की ने तो जल्दी ही रिप्लाई कर दिया। जहाँ हैकर जिंग को लिखती है कि क्या तुम्हें मेरा मदद का कोई जरूरत है, मैं तुम्हारी ही शहर में रहती हूँ, तो हम फेस टू फेस मिलकर बात करते हैं और शायद मेरा एडवाइस तुम्हारा किसी काम का आ जाए। जिंग हैकर का रिप्लाई देखकर वो ब्लश करने लगता है। तब हम एक और दूसरे लड़के को जिंग के पीछे बैठा हुआ देखते हैं, जो एक ही वक्त में किसी से चैट कर रहा था। जब जिंग का चैट करना हो जाता है हैकर के साथ, तब उस लड़के का भी चैट करना हो जाता है और वो बस से उतरने लगता है। आते हैं जिंग की तरफ, जो हैकर से चैट करने के बाद खुश होकर अपने मन में कह रहा था कि वाव, फाइनली मैं मिस हैकर से मिलने वाला हूँ, ये कितनी अच्छी बात है, मुझसे तो अभी और रहा नहीं जा रहा। और मेरे प्यारे मित्रों, आज का एपिसोड देखकर कुछ कुछ बात मालूम पड़ी है, जैसे कि मास्टर जिया जानबूझकर जिंग को गलत शलत प्यार मोहब्बत का तरीका सिखा रहा था, जिससे जिंग अपना हाले दिल जाकर होम को बयां कर ही ना पाए और मास्टर जिया का रास्ता क्लियर हो जाए जिंग को पाने का। और दूसरी बात कि मिस हैकर ये है कौन, ये तो हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। तब तक आप सब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विद मी एंड